हेलो स्टूडेंट्स हाँ इट्स मी यूर नोइंगेक इंटरेस्टिंग टॉपिक्स एंड दैट इज एक्यूरेसी एंड प्रोसीजन एक्यूरेसी और प्रोसीजन क्या होता है एक्यूरेसी का आपको पता है कि, होती है कि जो आप आंसर निकाल रहे हो वो जो है वो एक्चुअल uh, वैल्यू के कितना क्लोज है जो आपका आंसर आना चाहिए था जो आपका रिजल्ट आना चाहिए था उसके कितना क्लोज आपका आंसर आ रहा उसको है उसको एक्यूरेसी बोलते हैं एक्यूरेसी रेफर टू द क्लोजनेस ऑफ द दर्व वैल्यूज टू इट्स ट्रू वैल्यू ऑफ द क्वांटिटी जो उसकी ट्रू वैल्यू है आप उसके कितना पास पहुंच गए हो आपकी जो ऑब्जर्वड वैल्यू आ रही है वो ट्रू वैल्यू के कितना पास उसको है उसको बोलते हैं एक्यूरेसी जैसे आपका आंसर टेन आना चाहिए था आप टेन के कितना पास हो जितना ज्यादा पास हो गए एक्यूरेसी है अगर आपका टेन आना चाहिए था वो टेन ही आया है इसका मतलब आपकी सौ परसेंट क्या है एक है। और अगर आपका टेन आना चाहिए था लेकिन टेन नहीं आ रहा है कुछ कम आ रहा है तो आप बोलोगे की एक्यूरेसी सौ परसेंट नहीं है अब प्रोसीजन क्या होता है प्रोसीजन रेफर्स टू तो द क्लोजनेस बिटवीन डिफरेंट ऑब्जॉर्ब वैल्यूज ऑफ द सेम क्वान्टिटी प्रोसिजन होता है कि जब आप कुछ एक्सपेरिमेंट कर रहे हो आपका बार बार क्या आ रहा है आंसर आ रहा है रिजल्ट आ रहा है वो जो आपके रिजल्ट्स आ रहे हैं वो कितने क्लोज हैं उसको बोलते हैं प्रोसीजन रिजल्ट्स आए आपने बार बार कोई प्रैक्टिकल परफॉर्म करा एक्सपेरिमेंट करा आपकी जो रीडिंग्स आ रही हैं वो कितनी क्लोज आ रही हैं वो जो रीडिंग्स आ रही हैं वो जितनी ज्यादा क्लोज होंगी उनको हम बोलेंगे कि आपकी रीडिंग्स रीडिंग आ रही है उसको हम प्रोसीजन बोलते हैं डज नॉट मीन हाई एक्यूरेसी अगर प्रोसीजन ज्यादा है इसका मतलब ये नहीं है कि ज्यादा है इज डिफरेंट थिंग कई बार क्या होता है कि रीडिंग नहीं होती मतलब आपका एक्चुअल के कितना पास है उसको बोलते हैं एक्यूरेसी और जो आपने ऑब्जर्व करी हुई है वैल्यूज वो आपस में कितनी क्लोज है उनको बोलते हैं प्रोसीजन्स वो क्या होते हैं आपके प्रोसीजन्स होते हैं ओके okay? तो जो आपने आंसर्स निकाल ले हैं जो आपने ऑब्जर्व करी हैं वैल्यूज वो आपस में कितने क्लोज हैं उनको बोलते हैं प्रोसीजर्स और जो एक्चुअल वैल्यू के वो कितना पास है उसको बोलते हैं एक्यूरेसी द डिफरेंस बिटवीन एक्यूरेसी एंड प्रोसीजन कैन बी अंडरस्टूड बाय द फॉलोइंग एग्जाम्पल मैंने आपको एक एग्जाम्पल दी है जिससे तुम ना एक्यूरेसी और प्रोसीजन का डिफरेंस जो है वो समझ सकते हो सपोज करो तीन स्टूडेंट्स हैं तीन स्टूडेंट्स को हमने एक लेंथ ऑफ रॉड निकालने के लिए बोला ठीक है एक रॉड दी तीन स्टूडेंट्स को स्टूडेंट्स को ए बी और सी तीन स्टूडेंट्स थे उनको हमने एक रॉड दी और बोला कि भाई इस रॉड की लेंथ आपने नाप नहीं है जबकि रॉड की जो एक्चुअल लेंथ है दैट इज टू पॉइंट टू फाइव जीरो सेंटीमीटर जिसकी एक्चुअल लेंथ है दिस इज द रियल लेंथ एक्चुअल लेंथ और बच्चों ने जो नापी है वो मैं आपको बता देता हूँ कि उन्होंने क्या नापी देखो ये आपको दिख रहे जब उसने फर्स्ट टाइम परफॉर्म करा तो उसने क्या आंसर निकाला कि 2.25 सेंटीमीटर उसको बोला भाई फिर परफॉर्म करो उसने दूसरे बार परफॉर्म करा तो 2.27 सेंटीमीटर निकाल के ले आया उसको बोला फिर परफॉर्म करो उसने टू पॉइंट टू सिक्स सेंटीमीटर निकाल दिया मतलब पहले स्टूडेंट तीन बार परफॉर्म करा उसने ये आंसर निकाल ले तो उसकी जो एवरेज लेंथ आ रही है तीनों को जमा करके तीन से डिवाइड कर दिया वो आ रही है फिर दूसरे स्टूडेंट का नंबर चढ़ा बीस स्टूडेंट उसने करा उसने भी परफॉर्म करा प्रैक्टिकल उसने पहले बार आंसर क्या निकाला टू पॉइंट टू दूसरी पास निकाला टू पॉइंट टू फाइव जीरो और जब तीसरी बार बात निकाला तो टू पॉइंट टू फाइव वन उसने ये तीन आंसर निकाले जब उसने ये तीन आंसर्स निकाले तो फिर हमने उसकी एवरेज करी एवरेज के लिए तीनों को जमा करके तीन के साथ डिवाइड कर दिया वो ये इसकी एवरेज आ गई अब जो तीसरा स्टूडेंट था जब उसने परफॉर्म करा उसने पहली बार ये निकाला टू प्वाइंट टू फाइव जीरो दूसरी बार टू प्वाइंट टू फाइव वन और तीसरी बार उसने निकाला टू प्वाइंट टू फाइव जीरो जब उसकी एवरेज करी तो ये तीन रिजल्ट आ गए अब देखो ये तीनों के रिजल्ट आपके सामने इट इज क्लियर फ्रॉम द अबव टेबल ट ना ही वो प्रोसाइज है नो एक्ट आपको पता ना आंसर क्या आना चाहिए था? 0, लेकिन इसका रहा बहुत पीछे है उससे इसलिए इसका जो आंसर है ये एकट तो नहीं है जो आपको दिख रहा है की इट इज दीस्ट एकट सबसे कम एक जो है वो ए स्टूडेंट की आ रही है और वो कह रहा है की जो उसने वैल्यूस निकालनी है उनके बीच का जो डिस्टेंस है जो डिफरेंस है वो भी ज्यादा है ठीक है आपको तो लग रहा है सर कम ही है टू पॉइंट टू फाइव जीरो टू पॉइंट टू सेवन के बीच ज्यादा डिफरेंस नहीं है लेकिन अगर आप बी की और सी की कंपेयर करोगे उनका इससे भी कम है आप क्या करो इन दोनों रीडिंग को माइनस करके देखो जब आप इनका माइनस करके देखते हो इनका इसके कम्पेरिजन में बहुत कम है देखो मैं आपके सामने करता हूँ जैसे मैं ए वाले का चेक करता हूँ ए वाले का है टू प्वाइंट टू सेवन इसमें से क्या माइनस करोगे टू पॉइंट टू फाइव तो सेवन में से टू फाइव निकाल दो कितना हो गया टू हो गया यहाँ पे जीरो आ गया और पॉइंट जीरो मतलब डिफरेंस कितना है जीरो पॉइंट जीरो टू का ये डिफरेंस है किसका ए स्टूडेंट का अब आप बी का चेक करो टू पॉइंट टू फाइव टू और माइनस करो टू पॉइंट टू फाइव जीरो दो रीडिंग में पकड़ माइनस कर देता हूँ ये टू आ, आ गया जीरो आ गया जीरो आ गया और ये जीरो आ गया मतलब जीरो पॉइंट जीरो जीरो टू किसका है बी स्टूडेंट का तो अब देखो ए का जो डिफरेंस है दो रीडिंग के बीच का वो ज्यादा है एज कम्पेयर टू बी स्टूडेंट इसलिए ए वाले की जो रीडिंग्स है वो कम प्रिसाइज हैं है वो क्या है कम प्रिसाइज है एज कम्पेयर टू स्टूडेंट बी और जो स्टूडेंट सी है उसका भी प्रोसीजर अच्छा है और इस जो सी स्टूडेंट है उसकी प्रोसाइज भी है और एकट भी है ठीक है ये मैंने बताया आपको चेक करने का तरीका और एक्यूरेसी स्टूडेंट बी जो बी स्टूडेंट है उसकी observations, observations precise, वो ज्यादा प्रिसाइज है दब्जर्वेश well प्रिसाइज भी है एकट भी है क्योंकि आंसर उसका 2.250 आना चाहिए था, था उसका आंसर जो है एक्यूरेट एवरेज आंसर 2.250 आ रहा है तो ये सी के सबसे ज्यादा पास है उससे कम एकट ये है और सबसे कम एकट ये है एक प्रोसीजन दोनों का है ये भी प्रिसाइज है ये भी प्रोसाइज है लेकिन ये लिस्ट है ये नहीं है तो प्रोसीजन के लिए आपने दोनों का डिफरेंस करके देखना है अगर रीडिंग बिल्कुल क्लोज क्लोज आ रही है रीडिंग जो है ऑलमोस्ट सेम सेम आ रही है डिफरेंस बहुत कम आ रहा है और जब आंसर आपका एक्चुअल के ज्यादा पास हो जाए जितना ज्यादा पास हो जाए वो एकट होता है जैसे इसका आंसर जो है एक्चुअल से बहुत पीछे है ये सबसे कम एकट है इसका आंसर जो है ये थोड़ा सबसे ज्यादा है ये भी कम एकट लेकिन इससे ज्यादा एक्यूरेट है और इसका एग्जैक्टली exactly वही आ गया तो इट इज द मोस्ट एकट इस सबसे ज्यादा एक्यूरेट है इसमें भी प्रोसीजन अच्छा है इसमें भी प्रोसीजन अच्छा है इसमें प्रोसीजन इतना अच्छा नहीं है क्योंकि जो रीडिंग का गैप है वो कम है ठीक है वो ज्यादा है उंट ऑफ दैट इंस्ट्रो कोई इंस्ट्रूमेंट सबसे कम से कम कितना नाप सकता है वो minimum, uh, एक कर सकता है उससे नीचे वाली वो नहीं कर सकता उसको उस डिवाइस का लिस्ट काउंट बोलते हैं या वन ईयर कॉन्सर्ट बोलते जैसे स्केल होता आपको पता वो पॉइंट वन सेंटीमीटर से नीचे नहीं नाप सकता

कि लिस्ट काउंट ऑफ द बने क्लिपर जो बने क्लिपर होता है ये क्लिपर है, होता है लिस्ट काउंट ऑफ द बनेपर जीरो 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 पॉइंट सेंटीमीटर का मतलब वो कम से कम इतना नाप सकता है एंड द लिस्ट काउंट ऑफ द मीटर स्केल स्केल का मैंने अभी आपको बताया स्केल का कितना होता है जीरो पॉइंट वन सेंटीमीटर देखो किसका कम है बने क्लिपर का कम है इसलिए बर्ने क्लिपर से जो चीजें नापी जाएंगी

काउंट होएगा उतना कम आपको प्रोसीजन मिलेगा तो जो आपका स्केल होता है उसका लिस्ट काउंट सेंटीमीटर सेंटीमीटर का स्केल मतलब से जो कम लेंथ है उसको आपका स्केल नहीं नाप सकता और जो आपका बने क्लिपर है वो जीरो पॉइंट जीरो वन सेंटीमीटर तक की लेंथ को नाप लेता है इसका मतलब जो लेंथ जीरो पॉइंट जीरो सेंटीमीटर से भी कम है उस लेंथ को आपका बने क्लिपर नहीं नाप सकता बने क्लिपर की ये लिमिट है कि बने क्लिपर इससे नीचे वाली लेंथ को नहीं नाप सकता और जो स्केल होता है वो तो यहां से नीचे नहीं नाप सकता तो कोई डिवाइस जहां तक मिनिमम नाप सकती है उसको उसका बोला जाता है तो जिसका जिसकाउंट कम होता है उसकी उसके द्वारा जो निकाले जाते हैं वो ज्यादा प्रिसाइज होते हैं इसलिए बर्ने क्लिपर के जो आंसर होंगे वो ज्यादा प्रेसाइज हैं ये वर्ण क्लिपर के होंगे दोनों ये किसके हैं वर्ने क्लिपर के है, है। और ये स्केल से आ रहा है और जो स्केल से आता है वो, है। वो कम प्रेसाइज होता है और जो

और मेजर करने के बाद जो डिजिट उस वैल्यू को एक्सप्रेस करेंगे जो से आप वैल्यू को डिनोट करोगे वो डिजिट जो उनको बोला जाता है या फिर कुछ लोग बोलते हैं कि ऐसे डिजिट्स जिनका होता है मेजरमेंट के अंदर उनको हम सिग्निफिकेंट डिजिट्स बोलते हैं ऐसे डिजिट्स जिनका इम्पोर्टेंस होता है मेजरमेंट के अंदर उनको सिग्निफिकेंट डिजिट्स बोला जाता है सिग्निफिकेंट फिगर्स आर दो डिजिट्स इन ए मेजर क्वान्टिटी विच आर नोन रिलायबली और अबाउट विच वी है उसमें जो आ रहे हैं, जो हैं, जिनके बारे में आपको कॉन्फिडेंस ये डिजिट कैलकुलेशन में है ही है और लास्ट में एक ऐसा डिजिट होता है जिसके बारे में तुम कॉन्फिडेंट नहीं होते इन सबको मिला के हम क्या बोलते हैं सिग्निफिकेंट डिजिट्स तो सिग्निफिकेंट डिजिट्स में क्या होता है कि कुछ डिजिट ऐसे होते हैं जिन, जिनके ऊपर आप रिलायबल होते हो आप कॉन्फिडेंट हो कि ये है है ही रीडिंग में और एक लास्ट का अनसर्टन रहते हो गारंटी नहीं ले सकते the 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 measurement. किसी मेजरमेंट में जितने ज्यादा सिग्निफिकेट होंगे जो आपकी मेजरमेंट होती है उतनी ज्यादा क्या होती है फॉर एग्जाम्पल टाइम पीरियड सिंपल इज पॉइंट आपके पास एक सिंपल पेंडुलम है उसका टाइम पीरियड सिक्स टू है पे जो है दे है दे आर रिलायबल रिलायबल बोल की आप गारंटी ले सकते हो कि ये है ही है लेकिन जो डिजिट टू है वो अनसर्टन है वो अनसर्टन कैसे है हो सकता है टू ना हो किसी ने राउंड ऑफ करके टू लिखा हो उसकी गारंटी आप नहीं ले सकते मे बी वो राउंडेड ऑफ हो तो जो लास्ट वाला डिजिट होता है वो हमेशा क्या रहता है अनसर्टन रहता है वन और सिक्स इसके बारे में तुम गारंटी दे सकते हो आप बोलोगे सर वन भी है सिक्स भी है लेकिन टू के बारे में तुम श्योर नहीं हो क्या पता टू ना हो क्या पता टू ना हो क्या पता ऐसा हो वन पॉइंट सिक्स वन सेवन ऐसा होता और किसी ने राउंड ऑफ करके इसको क्या लिखा हो वन पॉइंट राउंड ऑफ कर दिया मतलब इसको क्या कर दिया हो राउंड ऑफ इसका मतलब ये जो टू आ रहा है इसकी गारंटी नहीं है कि ये राउंडेड है या नहीं है तो इसलिए जो लास्ट वाला डिजिट होता है उसकी गारंटी नहीं ली जा सकती उसको अनसर्टन बोला जाता है लेकिन इसको भी आप इग्नोर नहीं कर सकते इसको भी आपने कैलकुलेशन में काउंट करना है इसलिए ये भी एक सिग्निफिकेंट सिग्निफिकेंट डिजिट है है तो डिजिट्स डिजिट्स में क्या होता है? कि बाकी सारे जो कुछ होते होते हैं वो होते हैं वो सर्टन उनकी गारंटी ली जाती है और जो लास्ट वाला डिजिट होता है दैट इज ऑलवेज अनसर्टन वो अनसर्टन रहता है उसकी गारंटी नहीं ली जाती क्योंकि वो मे बी राउंडेड ऑफ हो किसी ने उसको राउंड ऑफ करके लिखा हो इसलिए हम उसको बीच में अनसर्टन बोल देते हैं लेकिन उसको भी काउंट कर रहा जाता है इसलिए यहाँ पे सिग्निफिकेंट कितने आएंगे तीन आएंगे एक 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 वन आएगा 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 सिक्स टू और सिग्निफिकेंट फिगर्स डू नॉट चेंज इफ वी मेजर ए फिजिकल इन डिफरेंट यूनिट्स अगर हम किसी क्वान्टिटी को डिफरेंट यूनिट में मेजर करते हैं तो भी सिग्निफिकेंट उतने ही रहते हैं ठीक है जैसे ये फोर्टीन पॉइंट फाइव सेंटीमीटर है ये सीजीएस में है ना अब मैंने इसको मीटर में कर दिया ये एस आई मी हो गया तो एसआई में करने के लिए मैंने इसको टेन की पावर माइनस टू से मल्टीप्लाई कर दिया दोनों केस में तीन ही सिग्निफिकेंट है इधर भी तीन ही है इधर भी तीन ही है है ये 10 की पावर जो होती है, उनको काउंट नहीं करती इसका मतलब जो सिग्निफिकेंट होती है टाइप ऑफ द सिस्टम टेकन वो किसी भी सिस्टम के अंदर ले लो सेम ही आते है। और हैं और सिग्निफिकेट होते क्या है ऐसे डिजिट जिनका आपकी कैलकुलेशन में इंपॉर्टेंस रहता है अब कुछ रूल्स होते हैं वो आपने देखने हैं कुछ रूल्स में डिस्कस कर देता हूं जैसे पहला रूल है कि ऑल नॉन जीरो डिजिट्स आर सिग्निफिकेंट। जितने भी नॉन जीरो हैं, नॉन जीरो मतलब अदर देन जीरो, उन सबको क्या बोलना आपने सिग्निफिकेंट होते हैं ठीक है दो वन और सेवन इसमें कितने है तीन एक सात और आठ इसमें कितनेवन एट टू इसमें फोर है जैसे पहले में टू है वन और सेवन और दूसरे में तीन है वन सेवन एट और तीसरे में कितने है? चार है वन सेवन एट और टू फोर है जितने भी नॉन जीरो होते हैं वो सारे क्या होते हैं सिग्निफिकेंट होते हैं आपने उनको काउंट करना ही करना है एवरी नॉन जीरो इज सिग्निफिकेंट ये पहला रूल है दूसरा रूल होता है कि आल जीरोस जितने भी जीरोस हैं अकरिंग बिटवीन टू नॉन जीरो डिजिट्स आर सिग्निफिकेंट फिगर्स दो नॉन जीरो के बीच जो जीरो आएंगे उनको काउंट करना है जैसे ये है देखो दो नॉन जीरो लगाए ना मैंने फोर और वन बीच में एक क्या लगाया जीरो इसको काउंट करना है इसमें तीन बन जाएंगे जब जीरो, दो जीरो के बीच आते हैं देन दे दे आर आर सिग्निफिकेंट तब वो क्या बन जाते हैं सिग्निफिकेंट बन जाते हैं तो जैसे फोर और वन दो गया नॉन जीरो बीच में क्या लगाया जीरो लगाया ना बीच में एक जीरो है दो नॉन जीरो के बीच अगर साइडों पे नॉन जीरो और बीच वाले जीरो तब तो वो अपने काउंट करने हैं तो इनको काउंट करना ही करना है इसमें तीन है इसमें भी दोनों जीरो काउंट करने इसमें कितने बनेंगे वन ये दो जीरो तीन दो पांच इसमें पांच आ जाएंगे तो मतलब जब जीरोस नॉन जीरो के बीच में आते हैं देन दे आर सिग्निफिकेंट ऑल जीरोस टू द द राइट ऑफ लास्ट नॉन जीरो डिजिट आर नॉन सिग्निफिकेंट जो राइट में लगाए जाते हैं जीरो वो सिग्निफिकेंट नहीं होते जैसे टू जीरो राइट में है इसमें एक ही गिनेंगे टू वन जीरो इसके भी राइट में है इधर दो सिग्निफिकेंट आएंगे तो अगर जीरो राइट में लगाए जाए राइट में उनको आप काउंट नहीं करोगे राइट right के जीरो जो होते हैं, वो नहीं होते यार, नहीं काउंट करोगे आप जो राइट right के जीरो होते हैं किसी नॉन जीरो के राइट में जो जीरो लगाए जाते हैं उनको काउंट नहीं करना है. अब इस रूल में एक एक्सेप्शन होती है ये रूल कभी फेल भी हो सकता है ये फेल कब होता है कि अगर

अब राइट के, के, फोर। फोर तो के जीरो को मैंने इग्नोर करना है लेकिन राइट के जीरो कब इग्नोर करने अगर उनके साथ यूनिट ना हो जैसे ये ट्वेंटी है तो ट्वेंटी में कितने ट्वेंटी मीटर तो कितने होते हैं दो फिर आपने जीरो को काउंट करना था अगर होता है ट्वेंटी के फिर कितने दो अगर होता दो है दो लिखा हुआ है दो किलोमीटर तो फिर तीन होने थे जब इनके साथ यूनिट लगा रहता है यूनिट इसके साथ यूनिट है जहां जहां पे यूनिट है जब यूनिट रहता है तो किसी क्वांटिटी के साथ यूनिट रहता है तब उसके जो राइट के जीरो होते हैं उनको काउंट करा जाता है उनके राइट के जो जीरो होते हैं तब हम काउंट करते हैं ये रूल नंबर थ्री का फेलियर है ये चीज याद रखनी है आपने कि अगर साथ में यूनिट आपको दिख जाता है कि साथ में यूनिट लगा हुआ है, ट्वेंटी के साथ यूनिट लगा हुआ है या दो सौ दस के साथ यूनिट लगा हुआ है तो फिर आपने राइट के जीरो को गिन लेना है ऐसे नहीं गिनना ठीक है देके? जैसे मैं आपके सामने ले लेता हूँ ये जैसे ये है इसमें कितने सीट है तीन लेकिन अगर इसको ऐसा लिखा जाता मीटर क्यूब इसके साथ यूनिट लगा हुआ ना, अब कितने है? तीन और तीन छे, अब छे ठीक है रखना अब रूल नंबर फोर होता है कि इन नंबर लेस देन वन अगर एक नंबर वन से छोटा है, मतलब वन से छोटा तो कुछ होएगा। के right में लेफ्ट ऑफ ए नॉन नॉन जीरो आर नॉट सिग्निफिकेंट देखो जितने भी जीरो आएंगे राइट ऑफ द डेसिमल और लेफ्ट के और नॉन जीरो के लेफ्ट में देखो ये डेसिमल पहले तो नंबर लेस देन क्या होना चाहिए वन होना चाहिए

अब अगर ऐसा आ रहा है देखा नंबर लेस देन वन आर जीरो टू द राइट ऑफ ए डेसिमल पॉइंट एंड टू द लेफ्ट ऑफ ए नॉन जीरो इनको काउंट ही नहीं करना सिग्निफिकेंट नहीं है इसमें कितने सिग्निफिकेंट आएंगे ओनली वन इस जीरो को काउंट नहीं करना है अब इसमें कितने आएंगे इसमें आएंगे दो इनको काउंट नहीं करना इसमें कितने आएंगे तीन इनको काउंट नहीं करना अगर नंबर आपका वन से छोटा होता है जीरो पॉइंट वाला नंबर होता है और उसके बाद जो जीरो आते हैं पॉइंट के बाद उसके बाद कोई नॉन जीरो लगा होता है तो इन को काउंट नहीं करते डेसिमल के बाद इमीजिएटली जो जीरोज आते हैं उनको काउंट नहीं करते डेसिमल के बाद इमिजिएटली जो जीरोज आते हैं उनको काउंट नहीं करते फॉर ए नंबर लेस देन वन अगर नंबर वन से छोटा है ये चीज आपने जा रखनी है ठीक है अगर नंबर वन से क्या है छोटा है ये रूल नंबर फाइव आल जीरो टू द राइट ऑफ ए डेसिमल पॉइंट एंड टू द राइट ऑफ ए नॉन जीरो डिजिट आर सिग्निफिकेंट। ये रूल भी लेस देन वन के लिए है ठीक है इसमें क्या है कि आल जीरो राइट में एंड टू द राइट ऑफ ए नॉन जीरो डिजिट आर सिग्निफिकेंट डेसीबल में आएंगे ठीक है यासे यासे बड़ा ये है आपका जीरो पॉइंट जीरो जीरो एट जीरो जीरो इमीजिएटली जीरो काउंट नहीं करते हैं। अब अगर उसके बाद नॉन जीरो आ जाए आ गया उसके बाद जो जीरो आ रहे हैं इनको काउंट करना है ये चीज़ रूल कहता, कहता है कि ऑल जीरो टू द राइट ऑफ ए डेसिमल पॉइंट डेसिमल के राइट right में एंड टू द राइट ऑफ ए नॉन जीरो डिजिट आर सिग्निफिकेंट और नॉन जीरो के भी राइट right में होने चाहिए दोनों तरफ राइट राइट होना चाहिए देन दे आर उनको काउंट करना है जैसे ये जीरो पॉइंट जीरो जीरो इनको तो आपको काउंट तो नहीं करना है सेवन फिर ये जीरो आ रहे हैं अब इनको काउंट करना है इसमें कितने सिग्निफिकेंट है तीन और इसमें कितने हैं एक और चार ये पांच पांच ऐसे कितने अब जैसे अगर वन पॉइंट जीरो जीरो है

Right decimal point. Decimal point right right ट मतलब एक तो डेसीमल के राइट में हो जाइए आगे फिर नॉन जीरो फिर राइट में जो जीरो होते है उनको काउंट करना होता ठीक है ये आपके पांच रूल आज हो गए और आपके रूल है तीन और ठीक है ये ये मैं कॉल डिस्कस कर दूंगा ठीक है